मामा खाना बनाती हैं, उनको लेना चाहिए, बनाती हैं कसम से, इनको तो मशीन चाहिए टोटल भाई, हर चीज रख, बहुत मजे की हर चीज, आज मेरा बहुत दिल था आप सबसे अच्छी सही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पहले तो आजकल आपको पता है विंटर बस जा ही रही है, जितनी ज्यादा आजकल धूप निकल रही है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना ये वाले जो कपड़े हैं ये पहन लूँ। अच्छा, काफी ज्यादा मुझे क्वेश्चन आता है कि आप ये वाले आपने कपड़े कहाँ से लिए हैं, कहाँ से आप अपने कपड़े लेती हैं, अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है, ये वो। लिंक मैं जो है इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे ओरिजिनेबल कपड़े मिलते हैं। आजकल इनके कपड़ों पे सेल चल रही है, तो आप लाजमी फायदा उठाएं, ठीक है, अभी लेके रख लें या फिर अपना स्टिच करवा के रख लें। सिलाई भी बढ़ रही है और प्राइस भी कपड़ों की बढ़ती जा रही है, तो बेहतर है कि पहले आप लेके रख लें। अच्छा जी, काम की बात ये है कि आज हम जा रहे हैं राजदा की तरफ, कल भी जाना था लेकिन उनके घर में कुरान खानी थी इसलिए नहीं से जा सके, तो आज मैं जा रही हूँ। और मेरा दिल है कि कुछ बच्चों के लिए बना के लेके जाती हूँ। आपको पता है कि नया किचन होता है तो मतलब कामों शामों में टाइम ही नहीं मिलता है कि भाई मामा कुछ बना के दें, और बच्चियां भी माशाल्लाह घर में सेटिंग वगैरह में लगी रहती हैं, तो मेरा दिल है कुछ उनके लिए बना के लेके जाती हूँ, साथ में देख के आती हूँ कि कहाँ तक पहुंचे उनके काम शाम। तो चलें, जैसे जैसे क्लिप शूट करूंगी वैसे वैसे आपके साथ जी शेयर करूंगी, तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। फिश क्या करती है? फिश जी बार बार उस टब में से बाहर छलांग लगा देती है, उसका आज मरने का इरादा है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्हें पका के तो खाना खाया को नहीं किसी ने। फिश बाहर लगा रही है, छलांग लगा रही है। अच्छा, मैं देखती हूँ बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। और ये देखें जी, निक्की छड़ी मेरी बरबली देखी जी, क्या गा रही है, ये डडियां चला रही है, डडियां चला रही है माँ सच्ची, ये देखे गड्डियां चला रही है, ये गड्डियों वाली है मेरी निक्की सारी, गड्डियों वाली है, निक्की छोटी गड्डियों वाली है। आज जी काफी खासा मौसम चेंज हुआ हुआ है, और ये इब्राहिम खेलता रहा है, उसको पसीना आया हुआ, हालांकि इसने सिर्फ एक ये वाली ऊपर पहनी हुई है, नीचे पतली पहनी हुई है। हमें बैठी हैं यहाँ पे दुआ कह रही हैं, टाइम देख लें 5 बज रहे हैं, और लाइट गई हुई है इसलिए टीवी बंद है, इसलिए यहाँ पे मेरा पुत्र बोर हो रहा है, ये मेरा पुत्र बोर हो रहा है, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। क्या हुआ? सॉरी 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 अम्मा, सॉरी सॉरी, मैं खोल रही थी अम्मा, सॉरी। क्या हुआ अम्मा? सॉरी अम्मा। अच्छा, वो आप ही सॉरी बोल रही है ना, आई से सॉरी कह रही है ना, सॉरी। आमना तो होगी नाराज, अभी तक की मेरी अच्छी दोस्त बनी हुई थी, नजर लगी हमारी दोस्ती को मलाइका, असल में आमना की राइटिंग दिखाने लगी थी, मुझे भूल गया था कि क्रीम लगी थी। अब खाना क्या करना, कैसे राजी करना, कोई नहीं, वो अभी खुद ही सेट हो जाएगी। और बस हमारी वो वीडियो थी 17 और से अपलोडिंग पे लगाई हुई थी, 10 मिनट तो काम में 17 घंटे से नहीं हुई अभी तक, चलें अल्लाह खैर करे। हला आप लोग आए ना हमारे घर अभी? हाँ जी, डिनर करते हैं साथ, चाय वगैरह पीते हैं। आप मेरे लिए अपनी वाली चाट बना के लानी, बड़ी मुश्किल से आज हमने ना पास्ता बनाया, वो भी मैक्रोनी बनाई है कि क्या नाम, हमजा जिद कर रहा था काफी, तो भाई टाइम ही नहीं मेरा है बिल्कुल भी ना कोई चीज बनाने का, तो मैं ना चले मैं कुछ बना के ना, तो फिर आप अगर पापा आ जाते चले जाना ना, मैं फिर शाम को लगाऊंगी चक्कर, ठीक है? आप लोगों ने जरूर आना, ठीक है, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। चलें ठीक, चलें। मैं जा रही थी राजदा की तरफ और मैंने कुछ खाने के लिए बनाया, मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। ये जी रेशन सैलेड बनाया है, और साथ ही में आपको पता है वो काम शाम होते हैं तो थक जाती होगी, मैंने कहा कुछ बना के ले जाती हूँ,
हूँ बच्चों के लिए भी। और ये साथ में बर्गर बनाए हैं, चिकन बर्गर वेजिटेबल डाल के, बड़े मज़े के ये बनते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और आजकल जी मेरी ये डाइट जा रही है मटन को बॉयल करके ना इसकी यखनी बना के, तो ये मैं दिल्ली का ले रही हूँ, तो इसके बाद ज़रा कुछ मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, मुकद्दस को मैंने कहा था, मुकद्दस ने जी किचन भी साफ कर दिया सारा, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, बस संभालने वाले हैं। वो कह रही थी ड्राई होते हैं तो फिर मैं संभाल देती हूँ, तो बस अब हम ये लेंगे और हम निकलेंगे। अम्मी जी कह रही थी कि भाई मैंने नहीं जाना, और भाई आप चले जाएं, मैं पीछे से रेस्ट कर लूँगी। तो अम्मी को खाना बना के मैंने दे दिया था, और साथ ही मैं इब्राहिम को भी खाना खिला लिया था, और बस बर्गर वगैरह बनाए हैं, और ये जीरेशन सैलेड बनाया था तो मैं ले आई थी। राजना ने खुद से मैक्रोनीज घर में बनाई हुई थी, और KFC से ना टेंगी विंग्स और ये पीस ऑर्डर किए हुए थे। तो बस ये जी हम बैठे हैं, गरम गरम थी हर चीज़। मैंने कहा चलें खा लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर साथ ही में बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। तो अभी एक मिठाई का डब्बा है, तो स्टार्ट में सबसे पहले वही खोला मिठाई। बड़ी चौकी आखे नहीं है तो थाड़ी जीड़ियां मैं ना बड़े परेशान आज मेरे का खाला लोगों ने आना था, तो जब मैं आपके घर से भी वीडियो प्रोड करके आई थी ना, तो मैंने आते साथ ही नए कप निकाल दिए थे, इसलिए मैं जाने बनाने की इतनी एक्साइटेड थी। और इस लोग मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, क्योंकि इब्राहिम ने ना अभी हमारा माशा था पूरा टीवी लाउंज था सोफा सोफा कर दिया, वही मैंने कहा था आप उठा लो, इससे पहले सफाई भी तो मैंने करनी है, वो किसी ने नहीं करनी, मलाइका जी इतनी देर में चाय भी बना के ले आई थी, और उषा और मुकद्दस ने इतनी देर में बर्तन वगैरह उठाए हैं, चीजें वगैरह यहाँ पे संभाली हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था कि आमना इब्राहिम और साथ में हमजा के पास पियानो था, और वो माइक में बोल रहे थे बहुत ऊंचा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम बैठे चाय पी रहे थे, सब ने चाय पी है, और मुकद्दस को मैंने कहा था कि एक हमारा क्लिप ले लो मेरा और खाला का, और फिर वो कह रही थी कि हमने पार्क में जाना है, वहाँ पे जाके ना हमने वॉक वगैरह करनी है, और वहाँ पे हमने क्लिप भी लेना है। मैंने कहा चले हमारा क्लिप लो और आप जाके इतनी देर में वॉक वगैरह कर लो। बस जी, उसके बाद हम चले गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। सरगोधा में बिल्कुल भी कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल पेट्रोल पंप सभी के सभी बंद है जी। हाँ जी, ये जी मेरी बिल्ली देखी, ये आया है अभी और उधर खेलता रहा है, और इसको अब नींद आई है। क्या कर रहे मामा लगाते हैं ना हाथी बांधने में, हम बताते थे बहुत सारी है। क्या बहुत सारी है? हाँ, मामा लगाने की चेस्ट का तो चेस्ट है। हमजा के घर आपने एंजॉय की है? हाँ, ट्राई की है। एंजॉय की है? हाँ। हमजा के साथ खेलियां की है? हाँ। हे रखो सेकर तू तो बच्ची के साथ खेलेगा तो रही। अच्छा, खेलियां की है आपने? हाँ। ठीक कहते हैं। बाहर चला है साइकिल, निन्नी आ गई है। हाँ। सोएं? कुछ नहीं, क्या है मम्मा कर लो, आप क्या देख तो राजा की तरफ से जी हम होके वापस आ गए हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नसीब करे घर माशाल्लाह काफी ज्यादा उन्होंने सेट कर लिया है, कुरान खानी भी हो गई है, और बच्चे जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आमना इब्राहिम पे यकीन करें, आमना के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं और इतना ज्यादा खुश होते हैं ना। तो चलें, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।